अपनी साथे कोमल अग्रवाल। शुरुआत करिए महत्वना समाचारों थी। तो टाटा सन्स ना मानद चेयरमैन अने देश ना मोटा उद्योगपति रतन टाटा नो मुंबई नी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बुधवार रात्रे अवसान थयु हतु। तेमना अवसान ने पगले समग्र देश में अने देशभर में शोक व्याप्यो हतो। तेओ छेल्ला चार दिवस थी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सारवार हेठळ हता। मंगळवारे तेमना गंभीर होवानो पण रिपोर्ट सामे आव्यो हतो। बुधवारे रात्रे ज तेमना पार्थिव देह ने हॉस्पिटल माथी घरे लावामां आव्यो हतो। तेमना पार्थिव देह ने अंतिम दर्शन माटे मुंबईना नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में राखवामां आवशे। गुरुवारे सवारे 10 थी बपोर 3:30 वाग्या सुधी लोको अहीं तेमना अंतिम दर्शन करी शकशे। महाराष्ट्रना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह्यु कि रतन टाटा ने राज्य सम्मान साथे अंतिम विदाय आपवामां आवशे। रतन टाटा परिवार तरफ थी एक निवेदन में कहेवामां आव्युं छे कि अमे श्री रतन अने टाटा ने विदाय आपीए छे ते खूब ज दुख साथे छे। रतन अने टाटा पार्थिव देह ने गुरुवार 10 ऑक्टोबर 2024 ना रोज सवारे 10:30 वागे एनसीपीए लॉन निर्माण पॉइंट नरीमन पॉइंट मुंबई खाते लई जवामां आवशे, जेथी सामान्य लोको दिवंगत आत्मा ने श्रद्धांजलि आपी शके। तो अमे सामान्य जनता ने गेट नंबर 3 द्वारा एनसीपीए लॉन में प्रवेशवा अने गेट नंबर 2 द्वारा बहार निकाळवानी विनती करीशुं। परिसर में पार्किंग की सुविधा रहेशे नहीं। बपोरे 3:30 मृतदेह ने अंतिम संस्कार माटे लई जवामां आवशे। रतन टाटा मृतदेह माटे पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज मार्गो नी व्यवस्था पण करवामां आवी छे। तो साथे साथे लोकोने तेमना अंतिम दर्शन माटे आजे सांज 4 वाग्या सुधी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में लावामां आवशे। रतन टाटा पार्थिव देह ने कोलाबा स्थित तेमना घरे लई जवामां आव्यो छे अने परिवारना सभ्यो पण होस्पिटल छोड़ी गया छे। सोशल सीपी देवेन स्पेशल सीपी देवेन भारती व्यक्तिगत रीते परिवार सभ्यो साथे काफला अने एम्बुलेंस में जोड़ाया छे। तेमना पार्थिव देह ने वर्लीना स्मशान गृह में लई जवामां आवशे। आ एज जग्या छे ज्यां सायरस मिस्त्रीना अंतिम संस्कार करवामां आव्या हता। विदेश मंत्री एस जयशंकरे रतन टाटा अवसान ने एक युगनो अंत गणाव्यो छे। तेमणे कह्युं कि रतन टाटा भारतीय उद्योगना आधुनिकीकरण अने वैश्वीकरण साथे जोड़ायेला हता। मने अनेक प्रसंगोए तेमने मळवानो लहेवो मळ्यो। हुं तेमना अवसान पर समग्र देशनी साथे शोक व्यक्त करू छुं। रिलायंस इंडस्ट्रीजना चेरमेन मुकेश अंबाणीए रतन टाटाना निधन पर शोक व्यक्त कर्यो अने कह्युं कि तेमनुं निधन मात्र टाटा ग्रुप माटे ज नहीं परंतु दरेक भारतीय माटे मोटी खोट छे। आ भारत अने भारतीय उद्योग माटे निराशथी भरेलो दिवस छे। व्यक्तिगत स्तरे अमे रतन टाटाना निधनथी एक प्रिय मित्र गुमाव्यो छे। तेओ एक स्वप्नदृष्टा उद्योगपति हता जे हमेशा समाज माटे कंईक सारुं करवा माटे तत्पर रहता हता। प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा निधन पर श्रद्धांजलि आपता महाराष्ट्र अने झारखंड सरकारे गुरुवारे एक दिवसनो राज्य शोक जाहिर कर्यो छे। रतन टाटा निधन पर शोक व्यक्त करता झारखंडना मुख्य प्रधान हेमंत सोरेने जणाव्यु हतुं कि पछात राज्यने विश्वमां ओळख आपनार रतन टाटा ग्रुपना भूतपूर्व चेरमेन पद्म विभूषण रतन टाटा निधन पर एक दिवसनो राज्य शोक जाहिर करवामां आव्यो छे। रत्न कहते हैं वो रहा नहीं, ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतनी इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी रहनी उच्च विचार सर। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया, उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो
सर्वे सर्वा थे और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। और उसके बाद आगे की अंतिम विधि उनका होगा। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोफिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये अजून त्या संदर्भात अधिकृत आप जैसे आपको पता है कि टाटा ग्रुप की तरफ से प्रेस रिलीज दिया गया है, सुबह 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए एनसीपीए में रखा जा रहा है और पुलिस की तरफ से बंदोबस्त तो रहेगा, पर हमारा आप सबको अपील है कि जो लोग वहां दर्शन के लिए आएंगे वहां पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो जो लोग आएंगे उनको यही पुलिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आप मराठी में कई बड़े वीआईपी आने वाले थाने के निखिल बुमबोटी के ना कौन सी वीआईपी के आपके पास नहीं, उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता मैं। हमारा सिर्फ पुलिस का जो बंदोबस्त है वो वहां पे और रूट पे भी लगा हुआ है।